हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली, तो आप वीडियो एंड तक देखा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेबेलिन का प्राइमर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एन वाई वे का ये स्टिक लिया है, ये पीच अंडरटोन में। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टिक, इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। और इसे मैं अपने माउथ एरिया और अंडर आई एरिया पे लगा लूँगी, जहाँ पे अनइवन स्किन टोन है उसे इवन करने के लिए, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैंने मेकअप लैब रेवोल्यूशन का फाउंडेशन लिया। जो मेरा सेट है वो है C10। इसे मैं अपने फेस एंड नेक पर लगा लूँगी, और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा लगाएं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप और लगा सकते हैं। ऐसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लगा ब्लेंड कर लूँगी, और अपने ईयर पे भी लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ब्यूटी ब्लेंडर पे, उसी को अपने ईयर पे लगा लूँगी। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइट का कंसीलर लिया है। और यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उन सभी की डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करी वही आप करें, जो आपके पास है आप उसे भी यूज करके मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हैं। और इसे भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको ब्रश से इजी लगता है तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। फिर ये ऑस्टेलिस के ये बनाना कॉम्पैक्ट है, इसकी मदद से ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं अपने फेस पे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ सेट करूँगी, बाद में बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे जैकलिन हिल का ये आई शेडो पैलेट लिया है। तो इसमें से ये डार्क शेड लेके मैं इसे अपने क्रीज लाइन में और हल्का सा अपने आउटर वी पे भी लगा रही हूँ। और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फिर ये लाइट शेड लेके इसे मैं अपने क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगा रही हूँ। और ये सिमरी शेड लेके, ये भी सेम शेड है जो मैंने क्रीज लाइन में और अपने आउटर कॉर्नर में लगाया था वो, लेकिन ये सिमरी है। तो इसे मैं अपने आईलिड पे लगा लूँगी, 1/3 आईलिड पे। फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडो लिया। इसमें जो मेरा शेड है वो 05। इसमें आपको 6 कलर मिल जाएंगे। तो इसे मैं अपने इसे भी मैं अपने 1/3 आईलिड पे लगा लूँगी। एक ब्लैक शेड लेके मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, और हल्का सा हाफ क्रीज लाइन में ब्लेंड करूँगी, बिल्कुल अंदर तक नहीं जाऊँगी मैं। अब देख सकते हैं आई मेकअप अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर की वजह से। फिर मैंने यहाँ पे स्टे क्वालिटी का आई लाइनर लिया है। फिर ये ब्लू शेड लेके इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन में लगा लूँगी। आप इसकी जगह कोई ग्रीन जो कलर आपको अच्छा लगे आप उसे भी लगा सकते हैं, या फिर ब्लू भी लगा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे फेस स्कैनर का ये ब्लू काजल लिया है, इसे मैं अपने वाटर लाइन में लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं क्रीम कॉन्टोर कर रही, तो मैंने यहाँ पे पर्पल की ये स्टिक ली है। इसमें आपको कई सारे शेड मिल जाएंगे। तो इसे मैं अपने जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग करना है मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी, और हल्का सा आज मैं फोरहेड भी कॉन्टोर करूँगी, वैसे मैं करती नहीं हूँ। और इसे एक ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। अभी ये थोड़ा हार्श दिख रहा है, लेकिन इसे अब मैं जब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो ये अच्छा दिखेगा, मतलब ठीक दिखेगा, अच्छे से ब्लेंडेड दिखेगा। फिर ये शेड लेके इसे मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर है और समर आ गए, तो अपने क्रीम प्रोडक्ट को आप सेट जरूर करें। फिर ये सेम कॉम्पैक्ट लेके मैं इसे अच्छे से जो भी हास है उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि वो साफ दिखे कॉन्टोरिंग। नोज पे और अपने अंडर आई एरिया पे लगा लूँगी, ताकि वो ब्राइट दिखे और कॉन्टोरिंग साफ दिखे। फिर मैंने मेबेलिन फिट मी का ये ब्लश लिया है, ये सिमरी है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा मेरा फेवरेट ब्लश है ये। जो मैंने पाउडर लगाया था कॉम्पैक्ट उसे मैं रिमूव कर लूँगी, डस्ट आउट कर लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे मिलानी का हाइलाइटर लिया है।
मैं आईब्रो फिल करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने शिवाना कलर्स का ये मतलब पाउडर फॉर्म में ये इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, 150 या 200 के अंदर आपको मिल जाता है ये प्रोडक्ट, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। तो सभी प्रोडक्ट के डिटेल आपको मिल जाएंगे। फिर मैं उनके सेटिंग स्प्रे की मदद से अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक यूज किया। यहाँ पे जो बाई वे का जो शेड है वो है रेड, और ये जो फेस स्कैनर की लिपस्टिक है ये ब्राउन है, डार्क ब्राउन। तो इससे पहले मैं आउटलाइन बना लूँगी एंड बाई वे की लिपस्टिक से, ताकि ओमरे इफेक्ट आए। मस्कारा लगाना भी भूल गई थी आज पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने यहाँ पे वो लॉरियल का मस्कारा यूज किया है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आपको ये मेरा आज का मेकअप लुक अच्छा लगा हो। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप लुक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी तरह का मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।